नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। लद्दाख में एलएसी पर तनातनी के बीच भारत ने चीन को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। बॉर्डर पर जहां भारतीय शूरवीर सीना थान कर चीन की हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे तैनात हैं, तो वहीं अब भारत ने आर्थिक मोर्चे पर चीन को घेरना शुरू कर दिया है। भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश के नियमों को सख्त करने के बाद भारत सरकार ने सोमवार रात चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की है, जिसके तहत टिकटॉक समेत 59 चीनी मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया है। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के इस कदम की जमकर तारीफ हो रही है, मगर भारत में बैठे चीन के चाटुकार गैंग को मोदी सरकार का यह फैसला पसंद नहीं आ रहा है और कुतर्क का लेप लगाते हुए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत सरकार के इस करारे एक्शन के बाद चीनी मीडिया भी तिलमिलाया हुआ है और भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। तो वही भारत में चीनी ऐप पर बैन को लेकर चीन का बड़ा बयान सामने आया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने ऐप बैन पर चिंता जताते हुए कहा है कि हम मामले की समीक्षा कर रहे हैं, यानी कि साफ है कि भारत के तगड़े एक्शन से चीन को बड़ा नुकसान होने वाला है, इसलिए चीन समीक्षा करने में लग गया है। भारत के सख्त फैसलों से चीन को हो रहे आर्थिक नुकसान को लेकर चीनी मीडिया को भी तीखी मिर्ची लगी है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत के इस कदम को अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाने वाला बताया है। अखबार ने आरोप लगाया कि चीन से मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स और राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताकर इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। अखबार के मुताबिक अमेरिका ने भी राष्ट्रवाद की आड़ में इसी तरह चीन के सामानों को निशाना बनाना शुरू किया था। चीनी मीडिया ने फिर दोहराया है कि इस तरह के कदमों से भारत की अर्थव्यवस्था को ही नुकसान होगा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन के खिलाफ भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद की आंच अब आर्थिक क्षेत्र तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस महामारी के संकट और भारत चीन के बीच चल रहे तनाव की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार में 30% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि साफ है कि भारत के कड़े फैसले से चीन बौखला गया है। तो वही भारत सरकार की ओर से गूगल प्ले स्टोर को इन 59 ऐप को अपने यहाँ से हटाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं, यानी कि ये सभी ऐप इन प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे और कोई नया यूजर इन्हें डाउनलोड नहीं कर पाएगा। इन दो कंपनियों के अलावा सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से भी इन ऐप को ब्लॉक करने को कहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने अब इन कंपनियों को 48 घंटे का वक्त दिया है, जिसमें वो अपनी ओर से सफाई पेश कर सकती हैं। सरकार की ओर से गठित की गई एक कमेटी सभी कमेटियों की बात सुनेगी। सूत्रों की माने तो सरकार की ओर से एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें आईटी, गृह मंत्रालय, सूचना मंत्रालय और कानून मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। इसमें डाटा चोरी को लेकर कंपनियों से सवाल जवाब होंगे, क्योंकि सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि ये ऐप देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और ये डाटा चोरी का काम करती थी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।